हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज हम जा रहे हैं, ये मोटा मोटा प्याज काटे हुए हैं, हरा मिर्च काटे हैं, दो तेज पत्ता है और 600-700 ग्राम गोश्त है। नली वाला है, सीना वाला है, देख रहे हैं ये चाप वाला गोश्त है, ये नली वाला गोश्त है। इसको हम स्टू खड़ा मसाला दे के बनाने जा रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम प्याज को डालते हैं, उसके बाद हम हरी मिर्च को डालेंगे, तेज पत्ता को डाल देते हैं, गोश्त को हम बघार नहीं रहे हैं, सिर्फ बैठा रहे हैं। कच्चा गोश्त, प्याज और हरी मिर्च, इसको हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं। आप लोग भी बना के कोशिश करिएगा इस तरह से खाने के लिए, बहुत अच्छा बनता है ये गोश्त। इसमें दो हम लहसुन खड़ा डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, इसमें एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची खड़ा डाल देते हैं, थोड़ा सा हम उजला जीरा डाल देते हैं खड़ा, थोड़ा सा कटा हुआ हम धनिया भी डाल देते हैं, कच्चा धनिया पत्ती, वो टेस्ट अच्छा आता है बन के। सब इसी तरह से हमको मसाला में डाल देना है, कोई तेल वेल नहीं डालना है, इसका अपने रोगन से ही पक के तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं और यहाँ पर अपना घर के बना हुआ मसाला, इसमें सारी मसाला में धनिया हो गया है, इसमें गरम मसाला है, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सारी मसाले इसमें हैं, यानी कि गरम मसाला समझिए या सब मिक्स मसाला समझिए। इसको हम एक चम्मच डालते हैं, घर का भुना हुआ जीरा और गोल मिर्च का पाउडर है, ये कलर के लिए, ये लाल मिर्च थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स मोटा वाला। अब सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं। खड़ा लहसुन डालिए, खड़ा जीरा, खड़ा सारी गरम मसाला और पाउडर भी थोड़ा थोड़ा डाले हैं, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं जाता है, और मोटा मोटा प्याज डाले हैं, और कोई तेल वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ अपने ये रोगन से पकेगा। पिसा हुआ लहसुन भी डाल देते हैं, इससे और अच्छा टेस्ट आता है मटन में। पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल देते हैं, गरम मसाला तो हम डाल ही दिए हैं, फिर भी डाल देते हैं एक चम्मच, को भी मिला देते हैं अच्छे से। ऐसा बनाइएगा ना आप, बहुत अच्छा बन के तैयार होता है मटन। बस इसको अच्छे से गलाना होता है, बस गलाइए इसको अच्छे से, मुलायम हो जाए, इसके बाद हम आपको पानी रिलीज करने के बाद हम इसको दिखाते हैं। इसमें टमाटर वगैरह कुछ नहीं जाएगा, इसमें बस एक चम्मच दही डालेंगे लास्ट में। हेलो, देखिए अब मेरा ये मटन देख रहे हैं कैसा कलर छोड़ दिया है, बिना तेल के, समझ लीजिए एक बूंद भी हम तेल नहीं इसमें डाले हैं। आप देख रहे थे ना, कोई हम तेल वेल नहीं डाला है, जो भी बना रहे हैं हम एकदम मैंने अपने आप को दिखा रहे हैं कि हाँ, कि मैंने कि बिना तेल का हम गोश्त बना सकते हैं। इसी तरह से आप भी बनाइएगा, तरी वाला गोश्त होना चाहिए, नली का, चाप का, ये बकरीद का गोश्त है, खस्सी का, इसीलिए देखिए थोड़ा थोड़ा इसमें रोगन आ गया है, ज़्यादा तेल की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये भुना मटन समझिए या बैठुआ मटन समझिए, ये बहुत अच्छा बन के तैयार होता है, बस इसको बस गलाना होता है। देखिए अब ये पानी छोड़ चुका है, थोड़ा सा भुना भी गया है, इसको हम अब कुकर को लगाते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि अच्छे से ही गल जाए। देखिए थोड़ा सा डालेंगे, बस इतना ही, अच्छे से गल जाने के बाद ये मटन बहुत अच्छा तैयार होगा। ढक्कन लगा करके 7-8 सीटी हम इसको 4 तेज आंच पर, 4 धीमा आंच पर,
सीटी लगाएंगे, उसके बाद उतार के हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको कैसा मेरा मटन बना। और सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। देखिए मेरा भुना मटन लहसुन वाला कितना बन के अच्छा तैयार है, सब गोश्त छोड़ दिया है हड्डी। चलिए हम इसको निकाल के बाहर दिखलाते हैं। देखिए एक बूंद तेल नहीं डाले थे, इस रोगन से पका है सिर्फ। इसी तरह से बनाइए खाइए, कमेंट बॉक्स में बॉक्स कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ये कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है, एकदम भुना मटन है। थैंक यू।